वेलकम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे और वेलकम करता हूं हमारे चैनल दीपाल टिप्स में। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो लिंकोसिन कैप्सूल, लिंकोसिन इंजेक्शन और लिंकोसिन सिरप पर, इनके इंडिकेशन और साइड इफ़ेक्ट पर बात करेंगे। फ्रेंड्स, लिंकोसिन फेजर कंपनी की है, जो कि एक मल्टीनेशनल ब्रांड कंपनी है और इसका इंग्रेडिएंट्स लिंकोमाइसिन है। तो फ्रेंड, डिटेल में जाने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी न्यू अपडेट्स, मेडिसिन के मुतलिक जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको मिलती रहे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड, हम लिंकोसिन को किन किन बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, हम अब इसके इंडिकेशन के ऊपर बात करेंगे। लिंकोसिन को स्पेशली हम टंसल्स में, यानी गले की खराबी, गले में इन्फेक्शन हो जाए, टंसल्स बड़े हो जाए, तो उसके लिए बहुत ही बेनिफिट है और उसी के साथ ब्रोनकाइट्स में मुफीद है और सांस की नाली में इन्फेक्शन के लिए मुफीद है, वलगमी खांसी के लिए मुफीद है, नमूनिया बुखार के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है और इसी के साथ स्किन इन्फेक्शन और जख्मों के लिए भी मुफीद है। फोड़े फिंसियाँ बन जाए उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हड्डियों और जोड़ों में इन्फेक्शन के लिए मुफीद है, अंतड़ियों में इन्फेक्शन के लिए भी मुफीद है और यूटीआई यानी पेशाब की नाली में इन्फेक्शन हो जाए उसके लिए भी मुफीद है और CNS इन्फेक्शन के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही बेनिफिट है। तो दोस्तों, ये थे लिंकोसिन के इंडिकेशन जो मैंने अभी आपको बताया। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाए, ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो जाए। तो दोस्तों, अब हम आते हैं लिंकोसिन के साइड इफ़ेक्ट की तरफ और लिंकोसिन को लेने से कौन कौन सी साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो लिंकोसिन को लेने से मतली आ सकती है, सर दर्द हो सकता है, एलर्जी, खारिश हो सकती है, जल्द का सुरख हो जाना भी हो सकता है, सर चकराना सकता है और आंखों के सामने अंधेरा आ सकता है, पेट में दर्द हो सकता है। दोस्तों, इसके साथ कब्ज़ भी हो सकती है। दोस्तों, ये थे लिंकोसिन के साइड इफ़ेक्ट और अब हम आते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन की तरफ, यानी ममनुआत, कौन से पेशेंट इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अस्थमा यानी दमे के दौरान इस्तेमाल नहीं कर सकते, लिंकोसिन को अमल के दौरान इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और आंतों में सूजन हो जाए तो भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूध पिलाने वाली ख्वातीन इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि दूध खुश्क हो सकता है। दोस्तों, ये थे इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो अभी मैंने आपको बताया। दोस्तों, अगर कोई भी मेडिसिन है तो आप डॉक्टर से रिकमेंड किए बगैर इस्तेमाल ना करें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दें और हमारे चैनल दीपाल टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।